एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक संभल में स्थित चितावली गांव पड़ा। लगभग 2800 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 20 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान सैमिदा हैं। लगभग 1250 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 60 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की आधार स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 30 हैंडपंप लगवाए गए हैं व विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 100 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में खडंजे, सीसीटाइस रोड, पानी निकासी के लिए नाला, स्कूल में मरम्मत कार्य, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 220 शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 14 आवास भी बनवाए गए हैं। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में सीसीटाइस रोड, स्कूल निर्माण, शमशान घाट, पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 57 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान चितावली सर, मेरा मणिराम सिंह नाम है और मैं जो अपने गांव में विकास कार्य में लगा हुआ हूँ, जितना भी कार्य कर जो भी धनराशि आई है जी, मैं उसे अपने ईमानदारी रूप से लगा रहा हूँ। हाँ, और मेरे गांव में कम से कम 12-13 नालियाँ या मतलब सड़क हो चुकी हैं। हाँ, और मैं अभी चाह रहा हूँ कि हमें जो मुख्यमंत्री के द्वारा कोई धनराशि मिले जो कि हम इसे विकास में लगाएं। जी हाँ, और सबसे पहले समस्या तो हमारी यह है कि हमारे यहाँ कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं, ना ही कोई आंगनबाड़ी केंद्र है, ना ही कोई बारात घर है और ना ही कोई वैसी कोई सरकारी भवन है। हाँ, मेरा नाम देवपति है। ये कच्चा मकान था, प्रधानी ने सबको ही लाभ दिया है, सबके ही पक्के मकान बनवाए हैं हमारे गांव में और बहुत सारे विकास दिलवाए हैं प्रधान जी ने, सभी गरीबों को साथ दिया है जी।